खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित 204 करोड़ में से 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड परिवहन विभाग के खाते में आ गई। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रयास से लंबे समय से अटकी धनराशि की पहली किश्त 104 करोड़ मार्च में और बची हुई धनराशि 100 करोड़ उत्तराखंड के खाते में आ चुकी है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं अब जल्द ही इस पैसे से परिवहन विभाग बसों को बढ़ाने का काम करेगा, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल बसों की खरीदी होगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 204 करोड़ रुपया हमको देना था। अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने मार्च में 104 करोड़ रुपया उत्तराखंड को दिया था।